नमस्कार। सो गाइस, क्या आप सबको पता है पुणे एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ना के बराबर है। करेंटली अगर आपको पुणे एयरपोर्ट डायरेक्टली जाना है तो आपके पास तीन ऑप्शन है, खुद की प्राइवेट व्हीकल यूज करें, या फिर रिक्शा यूज करें, या फिर ओला उबेर कैब्स यूज करें। रिक्शा एंड कैब के फेयर्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं एंड अनअफोर्डेबल रहते हैं। सो पुणे के एयरपोर्ट को अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुणे एयरपोर्ट पे कोई पैसेंजर नहीं रहता। पुणे एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है ऑल द टाइम एंड यहाँ पे काफी सारी फ्लाइट्स आती है। इनफैक्ट यहाँ पर अभी एक नया टर्मिनल भी बनाया गया है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है वो काफी छोटा पड़ रहा है, इसके कारण एक नया टर्मिनल बनाया गया है जो और भी ज्यादा फैसिलिटीज के साथ है। तो पुणे का जो एयरपोर्ट है वो काफी ज्यादा बिजी है, उसके चलते ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी अच्छी खासी होनी चाहिए एंड अप टू डेट होनी चाहिए। PMPML की बसेस भी यहाँ पर ना के बराबर है, क्योंकि टाइम एंड अगेन जब भी PMPML ने एयरपोर्ट स्पेशल बसेस शुरू की, तब तब उन सभी बसेस को लो पैसेंजर टर्नआउट फेस करना पड़ा ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। सो इस प्रॉब्लम का एक डेफिनेट सॉल्यूशन होना ही चाहिए एंड उसी सॉल्यूशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज पुणे मेट्रो। यस, यू हर्ड इट राइट, पुणे मेट्रो इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल दैट विल बी एबल टू एनहांस द कनेक्टिविटी ऑफ द एयरपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी। सो पुणे मेट्रो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेंटली हम लोग बात कर लेते हैं कि पुणे मेट्रो से आप एयरपोर्ट तक कैसे जा सकते हो एंड आगे एक प्रपोज्ड मेट्रो लाइन के बारे में बात करेंगे। सो इन द करेंट सिचुएशन, अगर किसी को पुणे मेट्रो की मदद से पुणे एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। बताता हूँ कैसे। आपको पता होगा पुणे मेट्रो लाइन 2 शुरू होती है वनास कोथरूड से एंड एंड होती है रामवाड़ी नगर रोड पे, एंड रामवाड़ी के पास ही पुणे एयरपोर्ट है, ज्यादा दूर नहीं है। एंड माइंड इट, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन रूबी हॉल तक ही मेट्रो शुरू है, आगे अभी थोड़े ही दिनों में रामवाड़ी तक मेट्रो शुरू होने वाली है, तो अभी के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि रामवाड़ी तक मेट्रो शुरू हो चुकी है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर मुझे कोथरूड से पुणे एयरपोर्ट ट्रेवल करना है पुणे मेट्रो की मदद से, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मैं येरवडा मेट्रो स्टेशन पर उतर जाऊंगा एंड वहां से दूसरा ट्रांसपोर्ट मोड यूज करके पुणे एयरपोर्ट की तरफ चला जाऊंगा। बट आपको बता दूं, येरवडा एंड पुणे एयरपोर्ट के बीच में 4.8 किलोमीटर की दूरी है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर, तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा। एंड इन द फ्यूचर येरवडा मेट्रो स्टेशन से आपको फीडर बसेस मिलेगी पुणे एयरपोर्ट की तरफ। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन पर उतर कर वहां से दूसरा ट्रांसपोर्ट मोड यूज करके पुणे एयरपोर्ट की तरफ जाना। एंड आपको बता दूं, रामवाड़ी एंड पुणे एयरपोर्ट के बीच में 3 किलोमीटर की दूरी है, तो येरवडा से थोड़ा कम ही है। एंड मुझे लगता है कि इस स्टेशन से भी फीडर बसेस रहेगी पुणे एयरपोर्ट के लिए। बट फ्रेंकली अगर मैं एक पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाऊं तो ये सब एक बहुत ही बड़ा हैसल है। ये इतना इजी नहीं है जितना कहने में लग रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान एयरपोर्ट को जाता है उसके पास बहुत सारे बैग्स रहते हैं, लगेज रहता है, तो उसको वापस से येरवडा या रामवाड़ी पे उतर कर बस में चढ़ना, अपना लगेज वापस से लेके जाना इजी नहीं है। तो इसके लिए हमें पुणे एयरपोर्ट की तरफ ही डायरेक्टली एक मेट्रो लाइन चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो रिसेंटली महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री अजित पवार ने एक मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में उन्होंने प्रपोज किया है कि रामवाड़ी एंड पुणे एयरपोर्ट के बीच में एक सेपरेट मेट्रो लाइन होनी चाहिए, क्योंकि पुणे एयरपोर्ट पे डे बाय डे पैसेंजर ट्रैफिक एंड एयर ट्रैफिक बढ़ने लगा है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड्स। So, इसके लिए जल्द से जल्द मेट्रो को वहां पर लाना होगा, इसलिए उन्होंने ये प्रपोजल दिया है। अब इस प्रपोजल के बारे में आगे बात करते हैं, या इस मेट्रो लाइन के बारे में आगे बात करते हैं। आपको पता होगा रामवाड़ी पे ऑलरेडी एक मेट्रो स्टेशन एग्जिस्ट करता है, तो आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इसी स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए मेट्रो मिल जाएगी। बट प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रामवाड़ी का जो एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन है वो थोड़ा सा आगे बनाया गया है एयरपोर्ट की तरफ जो रोड जाता है उससे। इसके कारण मेट्रो को इसी स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए रवाना करना इजी नहीं है। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में,
जो सबवे है रामवाड़ी पे, उसके जस्ट बाद ही एक सेपरेट मेट्रो स्टेशन बनाना चाहिए रामवाड़ी के लिए, एंड इन फ्यूचर इन दोनों मेट्रो स्टेशन को एक साथ जोड़ देना चाहिए वाया अ फुट ओवर ब्रिज। उसके बाद आगे जाए तो ये जो रास्ता है ये पूरा सीधा रास्ता है, इट इज अ 4-lane road, यानी यहाँ पर मेट्रो को लेके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड हाँ, क्योंकि रामवाड़ी एंड पुणे एयरपोर्ट के बीच में 3 किलोमीटर का फासला है, तो महा मेट्रो कैन कंसिडर 1 more metro station इन बिटवीन, लाइक सिम्बाइसिस या फिर विमान नगर का एक मेट्रो स्टेशन हो सकता है, बट दैट इज अपॉन महा मेट्रो वो लोग कैसे इसको प्लान करते हैं। उसके बाद आते हैं पुणे एयरपोर्ट की तरफ। अब जब मेट्रो पुणे एयरपोर्ट की तरफ आती है तो वहां पर एक टी जंक्शन है, एंड टी जंक्शन के साइड में पुणे एयरपोर्ट के बाहर एक एरो मॉल है। सो वो एरो मॉल जो है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ओला उबेर का पिकअप पॉइंट है, उसके बाद साथ ही में वहां पर आप पार्किंग भी कर सकते हो कार्स एंड बाइक्स की। एंड ये एरो मॉल इंटरेस्टिंगली पुणे एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वाया अ फुट ओवर ब्रिज। तो जो पुणे एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन है उसको भी इस एरो मॉल के साइड में ही बनाना चाहिए टी जंक्शन के पास, एंड इस मेट्रो स्टेशन का जो एंट्री पॉइंट रहेगा उसको एरो मॉल के अंदर ही डायरेक्टली दे देना चाहिए वाया अ फुट ओवर ब्रिज। सो इससे क्या होगा, जो भी लोग पुणे एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे वो डायरेक्टली एरो मॉल में एंटर कर सकते हैं, एंड एरो मॉल के थ्रू वो लोग पुणे एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हैं ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग के पास। एंड हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि पुणे एयरपोर्ट तो एक डिफेंस एयरपोर्ट है, इसके कारण यहाँ पर कुछ स्पेशल परमिशंस लगने वाली है पुणे मेट्रो बांधने के लिए, पुणे मेट्रो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंड वो स्पेशल परमिशंस महा मेट्रो श्योरली ले ही लेगी। एंड साथ ही में मुझे जितना पता है महा मेट्रो को एक NOC लगेगा AAI की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की तरफ से, फॉर हाइट क्लियरेंस ऑफ द मेट्रो, क्योंकि ऐसा रूल है कि एयरपोर्ट की विसिनिटी में हाई राइज बिल्डिंग्स टॉल बिल्डिंग्स अलाउड नहीं है, क्योंकि लैंडिंग में एंड टेक ऑफ में प्रॉब्लम हो सकता है इसके कारण। तो पुणे मेट्रो के जो पिलर्स रहेंगे उनको भी एक स्पेसिफाइड हाइट पे ही बनाना पड़ेगा, ना ज्यादा टॉल ना ज्यादा शॉर्ट, तो उसका परमिशन महा मेट्रो को लेना ही पड़ेगा, एंड बाकी जो भी परमिशन है वो ले ही लेंगे। सो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इस मेट्रो लाइन का डेपो कहां पर होगा, क्योंकि हर मेट्रो लाइन को एक डेपो की जरूरत होती ही है। तो मेरे हिसाब से महा मेट्रो कैन डू सम इंजीनियरिंग एंड ट्राई टू कनेक्ट द एग्जिस्टिंग लाइन टू वायाडक्ट विद दिस सेपरेट मेट्रो लाइन दैट इज प्रपोज्ड। इससे क्या होगा, कोथरूड से पुणे एयरपोर्ट तक महा मेट्रो डायरेक्टली ट्रेन चला पाएगी, ये भी पॉसिबल हो जाएगा, बट बीच में रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन सेपरेट होना ही चाहिए, बिकॉज मैंने पहले ही आपको रीजन बता दिया है। तो अगर ऐसा होता है देन सारे के सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। एंड अब बात करते हैं, क्या पुणे मेट्रो बनाने के लिए रोड पर जगह है। सो आई कैन टेल यू इट इज अ गुड 4-lane road बिटवीन रामवाड़ी एंड पुणे एयरपोर्ट। कुछ कुछ जगहों पर रोड थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बट दैट कैन बी वर्कड आउट एज ऑलवेज। एंड आपको बता दूं, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा इस लाइन के लिए तब बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, बट वो कहते हैं ना, टुडेज पेन टुमारोज गेन, तो उसी को ध्यान में रखकर हमें इस मेट्रो लाइन का काम कंप्लीट होते हुए देखना चाहिए, एंड विश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पुणे एयरपोर्ट की तरफ भी मेट्रो आ जाए। एंड हाँ, इसी वीडियो में अभी मैं आपको रामवाड़ी से पुणे एयरपोर्ट तक ट्रेवल कराने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कैसा है रोड, क्या कंडीशंस है, एंड फिर आप डिसाइड करिए मेट्रो बनाना इजी है या नहीं यहाँ पर। सो चलिए अब हम लोग रामवाड़ी से पुणे एयरपोर्ट के बीच में ट्रेवल करते हैं, रोड को देखते हैं कैसा है क्या है, बिना किसी देरी किए वहां पर जाते हैं। लेट अस सी दैट। तो यही वो जगह है जहां पर एयरपोर्ट लाइन का रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन आ सकता है, एंड एग्जिस्टिंग रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन को एक फुट ओवर ब्रिज के थ्रू इस मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जा सकता है।
सो लेफ्ट हैंड साइड पे है एरो मॉल, इसी एरो मॉल के साइड पे इस रोड पर आगे टी जंक्शन है एंड उसी जगह पर पुणे एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन बनाया जा सकता है एंड उस मेट्रो स्टेशन को इस एरो मॉल से इजीली कनेक्ट किया जा सकता है वाया अ फुट ओवर ब्रिज। जब ये होगा तब एयर पैसेंजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा सब कुछ। सो इस टी जंक्शन से लेफ्ट मुड़ते ही ये है वो स्काई वॉक जो पुणे एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है, इसी स्काई वॉक को मेट्रो से जोड़ना है। सो गाइस, आप लोग ने और मैंने भी वो रोड अच्छी तरह से देख लिया है एंड मुझे नहीं लगता है कि मेट्रो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना इतना भी डिफिकल्ट है आफ्टर ऑल दी परमिशंस। सो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। अगर आपको आज की मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी, क्रेडिबल लगी होगी, कुछ अच्छा समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।